तो हे नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रोहित कुशवाहा। तो गाइज, अब हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो न्यू राइडर आई है, हमारी लॉन्च हुई है 2022 मॉडल, उसमें गाइज आपको नया TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और गाइज हमारे पास 20 वेरियंट 2021 का मॉडल हमारे पास देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो गाइज हम बात करने वाले हैं, आपको नई बाइक लेनी चाहिए, आपको ये बाइक लेनी चाहिए। तो गाइज क्योंकि जो नई बाइक है उसका प्राइस आपको 1,25,000 ऑन रोड देखने को मिल जाता है। और गाइज इस बाइक का आपको प्राइस आपको जानना है तो हमारी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है इस बाइक के ऊपर, वो वीडियो को जरूर देख लें गाइज। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे न्यू TVS राइडर है, जो TFT डिस्प्ले के साथ आई है, नए वर्जन जो आया है, उसमें क्या हमको क्या क्या देखने को मिल जाता है। गाइस सबसे बड़ा चेंजेस आपको TFT डिस्प्ले में मिल जाता है। गाइस इस डिस्प्ले में आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस डिस्प्ले में गाइस आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। मोर देन 99+ फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। और गाइस पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फीचरिस्टिक बाइक कर दी गई है। इसमें गाइस आपको वॉइस मोड भी देखने को मिल जाता है। गाइस इसमें आपको मेन्यू मोड मिल जाता है, आप कम्प्लीटली सेटअप कर सकते हो। और गाइस आपको इसमें स्मार्ट एक्स का कनेक्शन मिल जाता है कि गाइज अपने बाइक को आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। और दोस्तों इसके साथ 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 अपने फ़ोन के जितने फीचर्स सबको एक्सेस कर सकते हो। और गाइज में एक अच्छा फीचर दे रखा है, गाइज आप ड्राइव कर रहे हो, आपके बाइक अगर फ़ोन आ रहा है आपको फ़ोन पे, तो अपना फ़ोन कट हो जाएगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जिससे क्या होगा एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस बार TVS ने इस बाइक को काफ़ी फीचरिस्टिक बना रखा है, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा जो फीचर दे रखे हैं। और गाइज दो जगह चेंज करे गए हैं इसके, एक तो मीटर में और एक इसके जो हैंडल में, दो बटन दिए गए, एक वॉइस के लिए दिया गया है और गाइस दूसरा दे रखा है यहाँ पे राइट साइड में दे रखा है इसके लिए आपको मेन्यू बटन, जो आपको एडजस्ट करने मिल जाता है देखने के लिए। गाइस अब बात करते हैं आपको दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो गाइस दोनों बाइकों में इतना डिफरेंस है नहीं, सबसे पहले बता दूँ मैं आपको, दोनों बाइकों के लुक में बिल्कुल सेम है, दोनों के हाइट बिल्कुल सेम है और गाइस दोनों का टैंक लीटर बिल्कुल वो भी सेम है। उसमें गाइस आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आपको उसमें USB चार्जिंग जो मिल रखा है वो आपको फास्ट चार्जर के साथ मिलता है। इसमें आप गाइस आपको मतलब नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिल जाती है 20 वेरियंट में, उसमें गाइस आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा गाइस उसमें आपको स्टेबिलिटी सेम मिलती है, आपको जो टेलीस्कोपिक्स में शोकर दे रखे वो भी उसमें सेम देखने मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में देखने मिले, रियर में नहीं मिलता है इसमें गाइस। उसके अलावा बाइक में कोई भी चेंज देखने नहीं मिलते हैं। तो गाइस ये कुछ फीचर्स थे मैं आपको बताना चाह रहा था कि नया जो लॉन्च हुआ है उसमें और इसमें कि क्या क्या फर्क है। तो गाइस इसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि माइलेज दोनों बाइक सेम दे रही है। हमारा आपको माइलेज वाली वीडियो देखनी है तो चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो गाइस उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपकी गाइस कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। और गाइस इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि 10,000 रुपये का फ़र्क है, तो गाइस आप देख सोच समझ के लेना बाइक को कि आपके TFT डिस्प्ले मैटर करता है या आपको नॉर्मल डिस्प्ले भी काम चल सकता है। क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्ले है उसमें काफ़ी सारे फीचर दे रखे हैं, आपको मैंने वीडियो शो कर रखी होगी अबाउट मीटर के लिए, आपको यहाँ वीडियो लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो उस कम्प्लीट वीडियो को। तो गाइस आप डिसाइड करो कि आप कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।